सो हेयर व्हाट्स अप गाइस, दिस इज क्लैन, यू आर वाचिंग टेक्नोआर्किल। सो गाइस, अगर आपका फिट 40,000 रुपीज और आप जिसके गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो गाइस इस वाले वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको जिसके 40,000 रुपीज के अंदर बहुत ही बढ़िया जो की कंपनी सेल्स करूंगा गाइस। और गाइस इस वाले पीसी से आप जो की कोई भी मॉडर्न ट्रिपल ए टाइटल वाले गेम्स को गाइस 1080p लेवल पे मीडियम टू हाई सेटिंग्स में गाइस आराम से 60+ FPS निकाल लोगे गाइस। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जो की सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मत जाना। चलिए गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ गाइस प्रोसेसर की बात करूं तो गाइस इस वाले पीसीबी में हमने जो किया इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i3-9100F जो किया प्रोसेसर यूज किया गया, जिसमें क्या कुछ किया 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। 4.2 GHz क्या कुछ किया बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी इस वाले प्रोसेसर की देखने को मिल जाती है गाइस। LGA1151 सॉकेट पे बेस रहा कुछ किया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 65W की TDP देखने को मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है गाइस। हम जो कि इस वाले बिल्ड में इंटेल के प्रोसेसर को इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज यार AMD के प्रोसेसर्स की जो कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, इसलिए गाइस इंटेल के प्लेटफॉर्म पे पीसी बिल्ड करना पड़ रहा है गाइस हमको। बट यार ये भी बढ़िया प्रोसेसर है जिस प्राइस पॉइंट पे जो ये वैल्यू ऑफर करता है, कोई और जो कि आपको प्रोसेसर उस टाइप की वैल्यू ऑफर नहीं कर पाएगा। तो गाइस ये वाला प्रोसेसर आपको जो कि 7400 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है गाइस। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, अच्छी खासी गेमिंग करवा देगा गाइस। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसके प्रोसेसर को भी परचेस कर सकते हैं। नाउ गाइस मदरबोर्ड के बारे में बात करूंगा गाइस इस वाले पीसी में हमने जो कि MSI की तरफ से आने वाला H310M Pro VDH+ जो कि है मदरबोर्ड यूज किया गया है जो कि LGA1151 सॉकेट पे बेस्ड मदरबोर्ड है। इंटेल की 8th-9th Gen सारे प्रोसेसर को जो कि सपोर्ट करता है गाइस ये वाला मदरबोर्ड। 2 DDR4 के आपको रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, कोई भी M.2 SSD का स्लॉट देखने को नहीं मिलता। बढ़िया मदरबोर्ड है गाइस, इस वाले बिल्ड को रन करने के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इन फ्यूचर जो कि है इंटेल के कोर i5 पे जो कि है शिफ्ट होना चाहते हैं तो यार आप जो कि आराम से इस वाले मदरबोर्ड पे कोर i5 9th Generation का जो कि है प्रोसेसर यूज कर सकते हो गाइस। और गाइस कोर i5 का यूज करने से आप जो कि है इस वाले पीसी से लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो गाइस। बहुत ही बढ़िया मैं आपको बिल्ड बता रहा हूँ, फ्यूचर प्रूफ बिल्ड रहेगा। तो ऐसे मदरबोर्ड की प्राइस की बात करूँगा 5200 रुपीज़ में आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसके मदरबोर्ड की परचेस कर सकते हो। नाउ गाइस रैम की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में हमने जो कि टोटली 8GB की रैम यूज़ की है जो कि आती है क्रूशल की तरफ से। 8GB की DDR4 टाइप की रैम यूज़ की है गाइस। 2666 MHz की रैम आपको देखने को मिल जाती है। कोई भी हमने जो कि 3000 MHz की रैम नहीं यूज़ की बिकॉज यार इंटेल के प्लेटफॉर्म पे हम जो कि पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो यार इंटेल इतनी जो कि है हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो कि रैम को डिमांड नहीं करता गाइस, इसलिए हमने जो कि है 2666 MHz की रैम यूज़ की है। अगर आप 3000 MHz की यूज़ करते हो तो यार वो जो कि डी क्लॉक हो कि जो कि है 2400 MHz पे वर्क करेगी, तो यार 3000 MHz वाली रैम लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता। सो आज इस वाले पीसी बनने में जो कि टोटली 8GB की रैम यूज़ की, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो कि 16GB भी यूज़ कर सकते हो। प्राइस की बात करूँ तो गाइस 2270 रुपीज़ में वो जो कि रैम देखने को मिल जाती है। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जो कि रैम को भी परचेस कर सकते हो। नाउ गाइस स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में जो कि SSD और हार्ड डिस्क का दोनों का ही यूज़ किया है। SSD में हमने लिए क्रूशल की तरफ से BX500 240GB की हमने जो कि SATA SSD का यूज़ किया है बिकॉज सर इसमें आपको जो कि कोई भी M.2 SSD का स्लॉट नहीं मिलता। SSD में आप जो कि आपके OS को इंस्टॉल कर सकते हो गाइस। SSD के यूज़ करने से आपके PC के परफॉर्मेंस और लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। सो गाइस SSD का यूज़ करना मस्ट है। 2480 रुपीज़ में आपको जो कि क्रूशल की SSD देखने को मिल जाती है। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हार्ड डिस्क की बात करूँ तो गाइस इसमें हमने जो की है 1TB की वेस्टर्न डिजिटल की 7400 RPM वाली जो की है हार्ड डिस्क यूज़ की है गाइस, जो कि यार बढ़िया हार्ड डिस्क है। 3300 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। उसकी भी लिंक मैं आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर उस दोनों SSD और हार्ड डिस्क को भी परचेस कर सकते हो। नाउ गाइस ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो किया है 1650 सुपर जो कि ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया जो कि आता है Inno3D की तरफ से। नाउ गाइस इसमें आपको जो कि है 1280 कूड़ा कोर्स देखने को मिल जाते हैं। 4GB की आपको जो कि VRAM देखने को मिल जाती है गाइस। GDDR6 टाइप का आपको जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। 128 bit की आपको जो कि मेमोरी बस देखने को मिल जाती है गाइस। 1755 MHz की आपको जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी इस वाले ग्राफिक कार्ड में देखने को मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है गाइस, इसमें आप जो कि इन फ्यूचर आप कोर i5 पे शिफ्ट होते तो गाइस आप जो कि इस वाले ग्राफिक कार्ड पे लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो गाइस। बहुत ही ज्यादा कैपेबल ग्राफिक कार्ड है गाइस, अच्छी खासी आपको गेमिंग भी करवा देगा, वीडियो एडिटिंग भी करवा देगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी करवा देगा अगर आप इन फ्यूचर जो कि अपग्रेड करते हो तो प्रोसेसर को।
बड़ा ग्राफिक कार्ड है 6400 रुपीज में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही बड़ा ग्राफिक कार्ड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर इस वाले ग्राफिक कार्ड को परचेस कर सकते हो। नाउ गाइस पावर सप्लाई यूनिट की बात करूं तो इस वाले पीसी में मिल चुकी है कॉर्सर की तरफ से CV450 वॉट की पावर सप्लाई यूज किया है। नाउ यार CV जो कि है कॉर्सर की नई सीरीज है, नॉन मॉड्यूलर आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है, 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है। बड़े पावर सप्लाई गाइस इस वाले बिल को रन करने के लिए मोर देन 3500 रुपीज में मुझे किए पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई गाइस। लिंक आपको जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसी पावर सप्लाई को परचेस कर सकते हो। अगर कैबिनेट के बारे में बात करें तो गाइस इस वाले पीसी में मिल चुकी है चिप्रोनिक की तरफ से वाली MX3 जो की है कैबिनेट का यूज किया गया है, बढ़िया कैबिनेट है गाइस। टेम्पर्ड ग्लास के साथ आती है, POS स्लॉट आपको जो कि प्रोवाइड करती है गाइस कैबिनेट, और साथ ही में आपको जो कि फ्रंट में RGB स्ट्रिप देखने को मिल जाती है गाइस। और गाइस अगर आप इन फ्यूचर जो कि फैंस भी बैठाना चाहते हो तो यार इस वाले कैबिनेट में आप बैठा सकते हो। फ्रंट में 120mm के 3 फैन बैठा सकते हो गाइस, ऊपर की तरफ 120mm के आपको जो कि 2 फैन बैठाने का ऑप्शन मिल जाता है, पीछे की तरफ आप जो कि 120mm का एग्जॉस्ट फैन बैठा सकते हो। और गाइस आपको जो कि इस वाले कैबिनेट में एग्जॉस्ट फैन जो कि प्री इंस्टॉल भी देखने को मिल जाता है, एक बढ़िया कैबिनेट है गाइस। 2250 रुपीज में आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। लिंक आपको जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके मुझे कैबिनेट को परचेस कर सकते हो। अगर आप जो कि कोई और कैबिनेट को परचेस करना होगा तो आप जो कि दूसरे भी ब्रांड के कैबिनेट को परचेस कर सकते हो गाइस। सो गाइस अभी हमारा बिल जो कि है कंप्लीट हो जाता है गाइस 40,000 रुपीस में। अगर आप प्राइस ज़्यादा कम हो रही होगी तो 42,000 रुपीस में मैक्स हमारा पीसी जो कि ये वाला बिल्ड हो जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया पीसी है गाइस, मॉडर्न ट्रिपल टाइटल आपको जो कि आराम से 60+ FPS दिलवा देगा गाइस 1080p मीडियम टू हाई सेटिंग में। बढ़िया पीसी बिल्ड है गाइस, फ्यूचर प्रूफ है, लाइव स्ट्रीम वगैरह एडिटिंग वगैरह सब कुछ आप जो कि इस वाले पीसी पे कर सकते हो। सो गाइस सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन से जाके परचेस कर सकते हो। और गाइस इस वाले वीडियो में बस इतना ही था, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना गाइस। और गाइस मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।